आइए मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के मैदान में शौर्य की गाथा सुनिए। इन शब्दों में, राणा ने खा दी घास की रोटियां, राणा ने खा दी घास की रोटियां, सैया जिनके कंकर है पर, सैया जिनके कंकर है पर, अरावली की पहाड़ियां भी, अरावली की पहाड़ियां भी, राणा संग हो गई अमर, राणा संग हो गई अमर। अकबर सेना बहुत है विशाल, अकबर सेना बहुत है विशाल, अकबर की सेना बहुत विशाल थी और उसका सेनापति था मान सिंह, फिर भी महाराणा प्रताप ने भागे नहीं और युद्ध में पहुंचे। अकबर सेना बहुत है विशाल, प्रताप सेना बहुत ही समर, और देख चेतक चाले जब देखे चेतक चाले जब भगदड़ मच गई बीच समर। जैसे ही चेतक पहुंचा है हल्दी घाटी के मैदान में, अकबर की सेना भगदड़ मच जाती है, और देख चेतक चाले जब भगदड़ मच गई बीच समय। और अब मौका मिल गया प्रताप को, तो उन्होंने अपने चेतक को इशारा किया और कहां पहुंचा, मान सिंह की ओर। चेतक ने अब पैर रखे, चेतक ने अब पैर रखे मान सिंह के हाथी पर, और भय से हौदा हिल गया, भय से हौदा हिल गया, गिरते गिरते भूमि पर। भाला देखा राणा का, भाला देखा राणा का, कापा मान सिंह ठाठर थार। भाला देखा राणा का, कापा मान सिंह ठाठर थार। अब राणा के एक इशारे से, अब राणा के एक इशारे से चेतक पहुंचा बीच समर, अब राणा के एक इशारे से चेतक पहुंचा बीच समर। प्रताप का भाला ऐसा चला, प्रताप का भाला ऐसा चला, प्रताप का भाला ऐसा चला सिघाड़े हाथी बीच समर, प्रताप का भाला ऐसा चला सिघाड़े हाथी बीच समर। अरे सोनित धारा ऐसी बही, सोनित धारा ऐसी बही, सैनिक बह गए बीच समर, सैनिक बह गए बीच समर। धन्यवाद।